गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं. फर्स्ट है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन, अगर हम कोई भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर सेम आएगा. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी है, 36,742 को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसका क्या रिजल्ट होगा? जीरो. जैसे 10,764 को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी है, अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स, अगर टू नंबर के ऑर्डर में चेंज हो रहा है, डज नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा है 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है जैसे 8 मल्टीप्लाई ब्लैंक दिया आपको, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 12 मल्टीप्लाई 8 है ना, तो आपने आपको राइट साइड पे दिया हुआ 8, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे. लेफ्ट साइड पे 12 मल्टीप्लाई 8 96, राइट साइड पे 12 मल्टीप्लाई 8 96, तो ऑर्डर चेंज होने की वजह से उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अ चेंज इन ग्रुपिंग ऑफ थ्री और मोर नंबर्स, अगर थ्री या मोर उससे ज्यादा नंबर्स में ग्रुपिंग में चेंज हो रहा है, डज नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट, फिर भी उसके प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा. जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, राइट साइड में आपको दिया है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो देखो जैसे 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 30, तो 2 मल्टीप्लाई 15 भी क्या हो गया 30, तो उसकी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, बस उसके ग्रुप्स चेंज होते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, अब हमने ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है. फॉर एग्जांपल 17+3 मल्टीप्लाई 7, आपने सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको डिवाइड करना है. जैसे 17 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 खोलेंगे, ठीक है, इससे इसकी क्या हुआ, ब्रैकेट खुल गई है. ठीक है, तो हमने इसको 2 ब्रैकेट्स में बना लिया, बीच में प्लस का साइन लगाया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है. 17 को 7 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई, इस तरह 17 का 119, 37 का 21, दोनों को प्लस करेंगे 140 आंसर. इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, इसी से आपकी एक्सरसाइज 5.3 होगी. ठीक है, तो जो आपको प्रॉपर्टी समझाई है वैसे ही आपने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. ठीक है.